बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के करम से आज का व्लॉग करते हैं शुरू। हो चुके हैं सुबह के 10:40 और ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, मैं फ्रेश हो चुका हूँ और अभी मेरे पास छत पे आया था। मैंने कहा मौसम देखते हैं जाके कैसा मौसम है, अगर अच्छा हुआ तो फिर चलते हैं कहीं एक जगह, वो आपको भी नहीं बताऊँगा तो वो जाके मैं आपको बताऊँगा। तो ऊपर में आया तो काफ़ी कमाल का मौसम है, सुबह बारिश हो रही थी, आसमान जो है वो बिल्कुल साफ़ है और हवा थोड़ी थोड़ी चल रही है, जिस वजह से छत पर इस जगह पर पानी जमा हो गया। मौसम वो काफ़ी मज़ेदार है, तो इस मौसम को मज़ेदार करने के लिए मैं जा रहा हूँ आज नाला लेक पे। हमारे चिवंडा से तकरीबन 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है वो, तो अभी बस जाके चेक करते हैं उसमें पानी है कि नहीं है। तो मैं गया था तो पानी नहीं था, लेकिन अब एक दो दिन हो गया बारिश हुई है तो मैं भी शायद पानी वहाँ खड़ा हो, साफ है, बादल बादल हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं किसी टाइम धूप निकल आती है, लेकिन मौसम जो है वो काफ़ी मज़ेदार हो गया, काफ़ी प्यारा है। इसी वजह से मैं जा रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो रोज़ाना धूप निकलती है और गर्मी वैसे ही हो जाती है, क्योंकि अभी अक्टूबर है तो सर्दी की है ना आई थिंक आमद आमद है। अगर बारिश इसी तरह होंगी तो ही सर्दी जो है ना वो आएगी, वरना तो गर्मी अक्टूबर आ गया तो गर्मी नहीं जा रहा है। साथ वाले घर ने यहाँ दरख्त लगा हुआ था बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा, यहाँ से अक्सर मेरी पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं, तो उससे मैं अक्सर हवा का अंदाज़ा लगाता था और बड़ा प्याल का नज़ारा था, लेकिन उन्होंने काट दिया, उन्होंने ये इस लॉन की सफाई करनी है, इस वजह से उन्होंने दरख्त काटा है। भैया अभी मैं बाइक निकालता हूँ और थोड़ा सा फ्रेश होते हैं तो फिर चलते हैं नाला डेक पे, धूप के आने से पहले पहले इसी मॉल में जाएंगे तो ही मज़ा आएगा। तो बस निकलते हैं नाला डेक के लिए। Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with. This life, like kryptonite, and if you keep me close, every minute in this hour will grow. और finally जी, मैं निकल चुका हूँ नाला डेक के लिए और टाइम हो चुका है तकरीबन 3 बजे का। सुबह जो है बादल बादल ही थे तो अभी मैंने निकला था, लेकिन एक काम पड़ गया था, अभी मेरे को काम करने लगा जिस वजह से मैं नहीं जा सका। तो अभी 3 बजे का टाइम है तो मैं निकल गया हूँ नाला डेक के लिए। अभी मैं रास्ते में हूँ तो पहले निकल नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि तो एकदम अभी मैंने पिछले से कितनी देर जो है वो धूप है, तो भी है जैसे भी है जाना धूपने का, क्योंकि सुबह मोटर है तो मैंने कहा इजीली मैं चले जाऊँगा, लेकिन अब धूप निकल गई है, लेकिन ठंडी कर जैसे ना धूप में भी अब इतनी गर्मी नहीं महसूस हो रही, तो फिर बस चलते हैं नाला डेक में, तो डेक में तो फिर वहाँ जाके देख। अच्छा था बारिश की वजह से, जिस वजह से मुझे इतना महसूस नहीं हो रहा, गर्मी महसूस नहीं हो रही, हालांकि मैं 3 बजे निकला हूँ काफ़ी दूर, तो वो बस पहुँचने वाला हूँ, बस पहुँच के मिलते हैं। मेरी चारों तरफ देखिए हरियाली, बारिश की वजह से कितना खूबसूरत सा हो गया है सारा चारों तरफ। फाइनली मैं नाला डेक पे आ चुका हूँ और इधर आके तो माहौल ही कुछ हो रहा है यार, मुझे लगा बारिशों की वजह से काफ़ी बड़ी होगी, लेकिन ये तो सूखी हुई है। तो खैर अभी एक जगह बाइक खड़ी करते हैं और फिर इसका व्यू थोड़ा सा करते हैं नीचे जाने है। जी मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह नाला डेक पर सेफली पहुँच चुका हूँ, तो तकरीबन मुझे 20 मिनट लगे आते हुए, तो अभी मैं बस उसी के पुल पर खड़ा हूँ और काफ़ी कमाल का व्यू जो है ना मुझे इस साइड पर नज़र आ रहा है। घर में मैंने सोचा था कि बारिशें हुई हैं जिस वजह से नाला डेक भरी होगी, लेकिन ये फिर उसी तरह जो है ना वो फुल फुल खाली है, तो हवा जो है इतनी नहीं चल रही, थोड़ी थोड़ी चल रही है, जिस वजह से मैं इजीली सेफली आ चुका हूँ और मौसम भी इसी वजह से थोड़ा सा कमाल। और ये लास्ट टाइम आया था तो काफ़ी ज़्यादा भरी हुई थी, लेकिन अभी इतनी नहीं भरी हुई, तो ये आप देख सकते हैं पानी भी इतना साफ़ नहीं, गंदा पानी है। तो मेरे पीछे रोड है, ट्रैफिक इसमें रवा दम है, और इसमें एक वो रास्ता है वहाँ से बंदा जा सकता है नीचे
और एक यहाँ से रास्ता है, ये बंदा जा सकता है नीचे। तो मैं नीचे तो जाऊंगा, मैं देखता हूँ रास्ता नीचे जाने का। बस मुझे थोड़ा सा डर लगता है पानी से, यहाँ खड़े होके भी बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा है। और उस साइड पे आप देख सकते हैं जो भी जानवर चराने के लिए आदमी लाया हुआ है, और वो फुल ऑफ फुल पूरा पानी में गया है। और मतलब के इतना नहीं गहरा पानी, इजीली जो है ना पानी। लास्ट टाइम आया था तो इस साइड पे उन्होंने वो क्या ट्राली वगैरह लगाई हुई थी रेत उठाने के लिए, वो अभी भी उन्होंने लगाई है। वो आगे आप देख सकते हैं, वो मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं जूम कर रहा, लेकिन वो सारी रेत उठा के तो इधर ही हमारे इलाके चविंडा में ही लेके जाते हैं, वो सारी रेत उठा के सेफली। इधर जो आके माहौल मिल रहा है ना, वो काफ़ी कमाल का मज़े का मिल रहा है। तो इस साइड पे थोड़ा पानी है, लेकिन ये जो दूसरी साइड है ना वो थोड़ी सूखी हुई है। अभी मैं दूसरी साइड पे जाता हूँ, जो दूसरी साइड है ये उससे कम सूखी है, यानी इधर बंदा इजीली जो है ना वो जा सकता है। देख सकते हैं ऐसे लग रहा है ये कोई खुला मैदान है, सहरा है, तो बस वही है, पानी देव है ही नहीं। और सूरज फुल मेरे जो है ना वो मुँह पर पड़ रहा है। तो वो मेरे ख्याल में मछलियाँ पकड़ने के लिए आए हैं, लेकिन कहीं कहीं जगह पर पानी है, जैसे वो आदमी चल रहा है तो उसके भी बस पाँव ही फुल हैं, तो बड़ी मुश्किल से ये है कि बड़ी हुई है। बाकी आप देख सकते हैं, वरना जब पानी आता है तो ये फुल ऑफ फुल होती है, मतलब यहाँ पुल तक पानी आता है, लेकिन यहाँ खड़े होके फिर भी जो है वो डर सा महसूस हो रहा है। से व्यू नज़र आता है ना पुल पर खड़े होके, काफ़ी कमाल का, इधर ग्रीनरी और इस साइड पर, ऊपर फुल ऑफ फुल आप देख सकते हैं जो सूरज है ना वो मेरे ऊपर चला हुआ है। करता हूँ नीचे जाने की, तो चेक करते हैं किसकी जो रेत है उस साइड पे, मुझे कुछ रास्ता नज़र आ रहा है, अभी बस उस साइड पे जाके चेक करते हैं और रेत पे देखते हैं कैसा मज़ा आता है। मैंने ग्लासेस वैसे लगाए हैं कि सीधा जो सूरज है ना वो मेरे मुंह पर पा रहा है, इस वजह से मैंने ग्लासेस लगाए हैं। उसमें नीचे जाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ से मुझे जगह मिल जाए नीचे जाने के लिए। तो बाइक की भी मैं साथ ही ले आया हूँ, मैंने कहा बाइक क्या वहाँ खड़े कर दी है। तो इस साइड से लास्ट टाइम मैं आया था इधर ही खड़ा था, तो इस साइड से मुझे कोई रास्ता नहीं था मिला नीचे जाने का। तो आई होप आगे कोई मिल जाए, मुझे नहीं लगता कोई आगे होगा। तो इस साइड से जो व्यू है इसका, ये जो रोड है ये डेक के साथ लगता है। तो अभी इधर खड़ी होकर बाइक खड़ी करते हैं, तो अभी चेक करते हैं यहाँ से कैसा लगता है। इधर ना थोड़ा ख़तरा सा भी महसूस होता है, कोई कीड़ा मकोड़ा ना निकल आए। तो असल जो व्यू है ना वो पुल के ऊपर ही चढ़ के नज़र आता है। इधर भी सारी सूखी वो तोड़ तक, विलेज फूड सीक्रेट्स तक, वहाँ तक जाती है डेक फुल ऑफ फुल। बस इतना नहीं खड़ा हुआ जा रहा, लेकिन जब हवा चलती है तब थोड़ा सा सुकून सा महसूस होता है। इस साइड पे तो कोई रास्ता नहीं नीचे जाने का, लेकिन मैं दूसरी साइड पे जाता हूँ शायद उधर कोई रास्ता हो नीचे जाने का, क्योंकि मैं पर्सनली चेक करना चाहता हूँ नीचे जाने का से कैसा महसूस होता है, मतलब रेत पर खड़ा होकर किस तरह का महसूस होता है। तो अभी बस नीचे जाते हैं, आई थिंक उस साइड पर जो है ना मुझे रास्ता मिल जाए नीचे जाने का, तो मैं ट्राई करता हूँ। तो नीचे जाते हैं क्योंकि पानी इतना नहीं है कि ख़तरा हो, तो बाकी फिर भी चेक करते हैं जाके क्या बनता है। मैं अभी नीचे आया हूँ, इस साइड पे मुझे थोड़ी सी जगह मिल गई है, मैं बिल्कुल पानी के पास आ चुका हूँ, लेकिन इस साइड पे मैं नीचे नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा खतरा डर सा लग रहा है, कहीं यहाँ से ज़्यादा गहरा ना हो पानी। लेकिन वो आगे जाके पुल से, वो पुल है पीछे, तो उसके ऊपर से देख रहा था मैं, तो वहाँ से तो कोई मतलब ऐसा व्यू नहीं था नज़र आ रहा, वहाँ से तो लग रहा मतलब कि इतना गहरा नहीं है, लेकिन नीचे आके ऐसा महसूस हो रहा है कि पानी जो है वो गहरा है। लेकिन उस साइड पे मेरे आप देख सकते हैं वो जानवर जो जा रहे हैं वो सेफली जा रहे हैं, इतना गहरा नहीं है, लेकिन यार फिर भी कपड़े गंदे हो जाने, वरना जाके चेक करते। बाकी मैं तो पानी के बिल्कुल पास आ चुका हूँ, देखें यहाँ थोड़ा सा कच्चा पानी है, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा पुल है, तो पुल के ऊपर खड़े होके इतना नहीं लग रहा, लेकिन नीचे आके ना जो सारा व्यू है ना वो कमाल का। Oh, oh, oh.
आपने व्यू किया नाला डे का, तो अभी मैं पुल पे आ चुका हूँ दोबारा, तो धूप काफ़ी हो चुकी है। तो अगर ड्रोन होता मेरे पास तो मैंने और ज़्यादा मतलब कोशिश करनी थी अच्छे तरीके से दिखाने की, लेकिन खैर जो भी है, तो बाकी मैंने पूरी कोशिश की है सारी साइड को दिखाने की। तो पानी इतना नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जब दोबारा पानी होगा तो कोशिश करेंगे जो है ना वो एक दफ़ा दोबारा आएँ, ताकि पानी के साथ, क्योंकि मैंने तकरीबन एक दफ़ा भी नहीं देखी हुई पानी के साथ नाला डेक। तो अभी बस सारी साइड पे मैंने, क्योंकि उस दूसरी साइड पे पानी है लेकिन इस साइड पे जो है ना वो कम पानी है। तो अभी बस चलते हैं गाड़, तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकावट भी हो गया, धूप है इस वजह से काफ़ी थकावट भी हो गया। तो अभी बस चलते हैं गाड़। मैंने मोटरसाइकिल वो खड़ी की है, साथ साथ ही रखी है, तो काफ़ी मैं नीचे चला गया था, पानी में नहीं था गया। तो खैर जो भी है, तो अगर मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब पानी होगा तो वो भी साथ लाएंगे, ताकि मछली पकड़ मतलब मछली काफ़ी शौक है पकड़ने का, तो दोस्तों के साथ आएंगे तो मछली भी पकड़ेंगे। तो अभी बस चलते हैं घर, दोपहर का खाना करते हैं जाके, काफ़ी धूप हो चुकी है। तो बस चलते हैं। भाई मछलियाँ पकड़ रहे हो? ओ खैर मछलियाँ, अच्छा जी मछलियाँ पकड़ रहे हैं। फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर आ चुका हूँ, टाइम हो चुका 4:30। अभी मैं कर रहा हूँ लंच, काफ़ी लेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं लेट आया था रास्ते में, मैंने ले लिया था नान पकौड़े माई फेवरेट, अभी बस वही खा रहा हूँ। काफ़ी नींद आई है, खाकर अगर नींद आएगी थोड़ी सी रेस्ट करते हैं। मैंने रास्ते में लिए थे पकौड़े और नान, अभी बस ये खाएँगे। टाइम हो चुका है 9 बजे का, काफ़ी थक गया था मैं, तो मुझे भी पता टाइम कैसे गुजर गया। तो खैर आपको आज का पसंद आएगा, नाना डे का भी पसंद आया होगा इंशाल्लाह, जब फुल होगी तब भी कहीं इंशाल्लाह आपको विजिट करूँगा। तो आज का लगता नहीं खत्म, तो मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।